अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम। तो आज हम करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का 3.3 इंग्लिश का द क्रो इन द हाउस के ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स गो, लेट्स बिगिन। ओके, तो आपका लेसन का नाम है अ क्रो इन द हाउस। ये देखिए, अ क्रो इन द हाउस। अब इसके हम फुल ऑफ वर्कशॉप करने वाले हैं। तो आपका वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड इंटरवेंस फ्रॉम द पोलिंग फ्रॉम द स्टोरी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फुल आपको ऐसी टेक्स्ट बुक पे दिया होगा। अब इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं। सोल्यूशन मीन्स आंसर मैं आपको अभी पहले क्वालिफाई कर देती हूँ, फिर देख लीजिए। सोल्यूशन मीन्स आंसर, और ये आंसर आपका इधर आ चुका है, आपका इंटरवेंस। अब हम आगे करेंगे, हम आगे करेंगे वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन का ही। ये देखिए, इसमें लिखा है फाइंड अ सिनोनिम व्हाट दैट मीन द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पहले एंटोनिम्स निकालना, तब सिनोनिम्स निकालना। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। फर्स्ट का यहाँ पर मैंने दे चुका है, फर्स्ट का यहाँ पर है, तो बाकी मैं आपको और देती हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है, जो डाग में ना, ये सब डाग वाला आपका क्या है, आंसर है। आपका आंसर है डाग वाला, सॉरी थोड़ी स्क्रीन हिल गई थी, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपका आ चुका है। यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट हाउ द अदर्स पेट्स इन द हाउस कुल हैव ऑब्जेक्टेड टू कर्स लिविंग इन देयर हाउस। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन है सेकंड का क्वेश्चन। तो इसका हमने सोल्यूशन करके आपको आंसर दे दिया। आंसर छोटा ही है, लेकिन आपको लग रहा होगा बड़ा है, बट ये नहीं, छोटा है। जल्दी से आप लिख लीजिए। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन वर्कशॉप का। प्रिपेयर अ टेबल टू शो दिस पिक्चर्स एट होम एंड आउटसाइड। ओके, तो देखिए आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर बॉक्स। ये देखिए आंसर बॉक्स, देख लीजिए। अब हो गया आपका आंसर बॉक्स। सवाल करते हैं, ये भी आपका आंसर बॉक्स ही है, बट इसके देखिए आप सोच रहे होंगे इसमें तीन बॉक्स में नहीं, और इसमें क्योंकि वो जो दूसरा वाला था उसका हमें नहीं लिखना है, तीनों में ये तीन में नहीं लिखना है, बस ये वाला लिखना है। ये भी आपका वही वाले का आंसर है। चलिए अब आगे करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन वर्कशॉप का। तो रिलेट द लाइफ स्टोरी ऑफ कार्स रिगार्डिंग द फैक्ट्स इन अ प्रॉपर फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ फॉलोइंग चार्ट। ये देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन है, कोई आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया होगा। अब सोल्यूशन मीन्स हम आपको आंसर दे देते हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा आंसर बॉक्स। मैं और जूम कर लूँ कि आपके सॉरी इतना ही तो ये आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आगे करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। री राइट इन योर ओन वर्ड। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। तो देखिए, ये आप उसका आंसर फिफ्थ का फर्स्ट का, क्योंकि आपको ओन लिखना रहता है तो बहुत बड़ा रहता है। अब हम आगे करेंगे फिफ्थ का भी। ये देखिए, फिफ्थ का भी है आपका ये क्वेश्चन, और ये इसका आंसर री राइट इन योर ओन वर्ड्स का सेकंड का आंसर। तो हमारा आ चुका है सिक्स क्वेश्चन, क्या है इंग्लिश वर्कशॉप का सिक्स क्वेश्चन। पैट्स। ओके, तो इस पर बहुत बड़ा आपको लिखना होगा। ये देखिए क्वेश्चन और सॉल्यूशन आंसर। आंसर देखिए कितना बड़ा है। हाँ, ये बड़ा है, बट आपका क्वेश्चन छोटा है, बट देखिए आंसर बड़ा है। हम आगे का करते देखिए, स्क्रीन शॉट है। ये देखिए स्क्रीन शॉट है। चलिए आगे का क्या है देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव पेट एनिमल्स। आपके पास पेट एनिमल्स है राइट इन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर ओन और योर फ्रेंड्स पेट। अगर आपके पास पेट है तो उसके बारे में आपको स्टोरी लिखनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड के पास होगा वो, मतलब कोई भी मतलब एनिमल वो पालता हो तो उसके बारे में कुछ ऐसा
हिस्सा लिखिए, मतलब ऐसी कहानी जो बहुत सुन के मज़ा आ जाए वैसा आपको लिखना है। तो ये देखिए, इसका भी हमने आपको दे दिया है आंसर। आगे का करते हैं वर्कशॉप का एट, ये देख लीजिए एट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स। ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ये देखिए कौन से कॉम्प्लीमेंट्स थे ऐसे में आपको ये लिखना है। तो देखिए इधर दिया हुआ है सॉल्यूशन करके हमने आपको दिया, देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के थे कॉम्प्लीमेंट्स, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। ओके चलिए अब और ये भी है, देखिए ये पूरा इतना सा नहीं है, ये इसका और आगे आंसर है। आप लोग सोचेंगे दो लाइन ये बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखिए ये भी है पूरा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है ना। ओके मेरे को कोई शौक नहीं आप लोगों का बड़ा देने का, लेकिन जो है वो तो देना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। ये देखिए ओके, तो अब हम आगे का देखते हैं। आगे का क्या देखिए, आगे का तो कुछ है नहीं, ये लेसन का यहीं पर हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सेवन स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैंने सब पे वीडियो बनाए, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी में सारे आंसर देती हूँ, सिर्फ इंग्लिश नहीं और बाकी सब। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। और दोबारा वीडियो में मिलेंगे वापस।